के भिवंडी शहर में समस्याओं की, तो हर मामले में यहाँ अगर कुछ है तो विकास के नाम पर सत्यानाश और सत्यानाश के नाम पर भिवंडी शहर की ये समस्याएं। मगर भिवंडी शहर में देखेंगे तो एक से एक नेता भी मौजूद हैं, इनके सामने अगर कोई समस्या इस शहर में है तो सिर्फ टोरेंट भगाओ, टोरेंट के खिलाफ मोर्चा लाओ और अपना काम पटाओ, अपना दाम बढ़ाओ, यही कारण। महाराष्ट्र के ठाणे जिले का भिवंडी शहर कपड़ा नगरी और ढाबा नगरी में ये पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। पहाड़ों के बीच आबाद भिवंडी शहर समस्याओं से जूझ रहा है और भिवंडी शहर के नेता टोरेंट पावर को भगाने में लगे हुए हैं। नमस्कार, आदाब, आइए बात करते हैं। अब से पहले जो आप वीडियो देख रहे थे ये भिवंडी शहर की है, ठाणे ज़िले का भिवंडी शहर। कच्चे कपड़े का यहाँ जो तैयार करने का ठिकाना है वो बहुत बड़े पैमाने पर है। महाराष्ट्र के तीन ठिकाने भिवंडी, मालेगांव और इचलकरंजी कच्चे कपड़े का और डाइंग के जो प्रोसेस वगैरह के मामले हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ऊपर से वीडियो दिखाने का हमारा जो असल मकसद था ये बताना था कि ये भिवंडी शहर ऊपर से खूबसूरत दिखाई देता है, बड़े बड़े टावर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और चारों तरफ पहाड़ियों के बीच में बसा ये भिवंडी शहर अपनी समस्याओं को लेकर जूझ रहा है। मेरे ठीक पीछे देखेंगे तो ये राजीव गांधी उड़ान पुल है। ऐसे भिवंडी शहर में चार उड़ान पुल हैं। भिवंडी शहर में ये सब ऊपर से देखने को अच्छा लगता है, मगर जब कभी आप नीचे आएंगे तो ट्रैफिक की समस्या यहाँ 24 घंटा रहती ही रहती है। भिवंडी शहर में पीने के पानी की समस्या है, वो भी ख़तरनाक है। भिवंडी शहर में ट्रैफिक जाम के अलावा रास्तों की जो समस्याएं हैं वो भी हैं। यानी अगर बात करेंगे भिवंडी शहर में समस्याओं की, तो हर मामले में यहाँ अगर कुछ है तो विकास के नाम पर सत्यानाश और सत्यानाश के नाम पर भिवंडी शहर की ये समस्याएं। मगर भिवंडी शहर में देखेंगे तो एक से एक नेता भी मौजूद हैं, इनके सामने अगर कोई समस्या इस शहर में है तो सिर्फ टोरेंट भगाओ, टोरेंट के खिलाफ मोर्चा लाओ और अपना काम पटाओ, अपना दाम बढ़ाओ, यही कारोबार भिवंडी शहर में 2007 के बाद से भिवंडी शहर में चल रहा है। टोरेंट पावर भिवंडी शहर में फ्रेंचाइजी का काम करती है, उन्हें जो कुछ ऊपर से इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसके तहत वो काम करती है। मैं ये नहीं कहता कि टोरेंट बहुत सही करती है, मैं टोरेंट का समर्थन भी नहीं करता, मगर नेताओं की जो नीयत है, नेताओं की जो नीति है टोरेंट के ताल्लुक से भिवंडी शहर के लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं। बहरहाल फिर 1 तारीख को मोर्चे की तैयारी है। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता जा रहा है वैसे वैसे नेताओं को याद आता जा रहा है कि भिवंडी शहर में टोरेंट पावर नाम की कोई कंपनी, कोई फ्रेंचाइजी काम कर रही है और जिसको देखो सारी समस्याओं को छोड़कर सिर्फ भिवंडी शहर में टोरेंट की ही समस्या जनता को बताकर बार बार टोरेंट के विरोध में मोर्चा निकालने का काम चल रहा है। बहरहाल 1 तारीख के मोर्चे में जो प्रमुख नेता है सुरेश टावरे, ये 2012 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उस वक्त भी ये मोर्चे में शामिल थे और अब 1 तारीख वाले मोर्चे में भी है। उस वक्त रुपेश महात्रे फिलहाल 1 तारीख को जो मोर्चा है उसका नेतृत्व करेंगे, उस वक्त वो MLA थे, और रशीद ताहिर वो भी उस वक्त MLA थे और ये इस मोर्चे में भी शामिल हैं। विष्णु सावरा उस वक्त MLA थे मगर इसमें शायद उनका नाम नहीं है। तो जब ये लोग पावर में थे 2012 में और 2012 से पहले, तब तो टोरेंट का कुछ बिगाड़ नहीं सके। जनता को बेवकूफ़ बनाकर बार बार टोरेंट का विरोध करवाना, टोरेंट के विरोध में लोगों को रास्तों पर लाना, ये समझ के बाहर है और अब जनता कहीं ना कहीं इन नेताओं के मामलात को समझ चुकी है। तो जब आप पावर में थे तब तो कुछ कर नहीं पाए, अब तो पावर में भी नहीं है तो फिर क्या कर पाएंगे, ये एक सवाल है। बहरहाल 1 तारीख को मोर्चा निकलेगा, जनता एक बार फिर इन नेताओं के साथ पीछे पीछे बेवकूफ़ बनकर जाएगी। मगर 2007 से भिवंडी शहर में जो भी टोरेंट के विरोध में मोर्चे निकले अब तक कोई भी नेता इस समस्या का समाधान नहीं करा सका है, क्योंकि लोगों को भी, मुझे भी और दूसरे लोगों को भी शक है कि नेताओं का हाथ एक तरफ जनता के लिए है तो दूसरा हाथ जो है कहीं ना कहीं रात के अंधेरे में
टोरेंट के लिए भी हो सकता है। मैं सलमान मेमन के साथ खान फखरे आलम।